विधायक का तो अता ना पता, वो आता ही नहीं। जब चुनाव आते हैं अच्छा तब वो अपना शकल दिखाते हैं। है कौन यहाँ? अच्छा, विधायक कौन है आपके यहाँ के? उपाध्याय। अच्छा, तो आते हैं मिलने आप लोगों से? आता है वो, जब उसको जरूरत रहती ना, जाया चलते बना, आया शकल देखा चलते बना। वो देखो, इतने साल से यहाँ घर जब मिला हुआ है, घर घर पे नल तो लगा हुआ है लेकिन पानी नहीं आता है। कितना टैक्स है? बाप रे, 16-16 हजार आ रहा। गरीब खाएगा कि टैक्स पटाएगा, ये बताओ। इस सरकार जो है उससे खुश नहीं है कामकाज से? नहीं नहीं नहीं, ये सब घोटाला कर रहे हैं, देख रहे हो, अभी करोड़ों का पूरा घोटाला चल रहा है। साथ में ये भूपेश बघेल भी इसका साथ दे रहे हैं। मतलब रहता है तो सारे नेता आते हैं, मतलब निकल जाता है कोई नहीं आता। और दूसरी बात, अब तो किसी को ना वोट देना और ना किसी से लेना देना। क्या नाम है भैया? सी जी राजेश सोना। अच्छा, क्या कुछ समस्या है इस मोहल्ले में आपकी? समस्या ये है कि यहाँ तो देख रहे हो नाली कुचड़, इतना गंदगी फैला हुआ है कि इसको तो पार्षद भी ध्यान नहीं देते हैं। पूरी इतनी गंदगी फैला फैला के रखे हैं कि क्या बताएं। अच्छा, क्या काम करते हैं आप? मैं एक सीजी मूवी थिएटर आर्टिस्ट हूँ, पार्ट टाइम मेरा चाय का ठेला है। अच्छा जी, लोग चाय ठेले के नज़र से देखते हैं पर वो मैं अपने नज़र से बिजनेस की नज़र से देखता हूँ। अच्छा जी, कितना कमा लेते हैं? दिन भर में मैं कमा लेता हूँ उसमें 500 रुपये पर डे। खर्चा कितना है घर का? घर में खर्चा वही ज़्यादा नहीं, 300-400 रुपये खर्चा है, सब्जी भाजी चल जाता है। कितने लोग रहते हैं आप लोग घर में? हम लोग रहते हैं, मेरे एक नन्नी परी है और एक 1.5 साल का मेरा बाबू है, माँ बाप हैं, वाइफ है, और हम हैं। मतलब छह लोग रहते हैं घर में? जी। अच्छा, और ये घर किराए का है कि खुद का है आपका? अब क्या बोले इसको, तो हम किराए में भी दे नहीं सकते, ना ही बेच के किसी को मकान दे भी नहीं सकते। अच्छा। क्योंकि ये मकान जो सरकार दी हुई है ये तो घर घर में पानी चू रहा है। अच्छा, हाँ भी पानी चूता है जी। कैसे करते हैं जब बरसात में पानी टपकता हो फिर सोने के लिए? ऊपर जाके मैं तिरपाल लगाता हूँ। जिस तरह बारिश का मौसम आता है लोग छाता रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं, उस तरह मैं जाके अपने छत पर टेरिस पर लगाता हूँ तिरपाल। अच्छा, और क्या कुछ समस्या है आपके मोहल्ले में उसको थोड़ा दिखा देते, आप कह रहे थे। अच्छा, कौन है विधायक आपके यहाँ के? हमारे विधायक? हाँ, पार्षद जो बोल रहे हैं? नहीं, विधायक 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 का तो आता ना पता, वो आता ही नहीं। जब चुनाव आते हैं अच्छा तब वो अपना शकल दिखाते हैं। है कौन यहाँ विधायक? अब मुझे तो पता ही नहीं है, जब आएंगे जाएंगे तभी तो पता चलेगा कि भाई हाँ ये हम मोहल्लेवासी। अच्छा, देख लीजिए क्या हाल है कि विधायक जी यहाँ मिलने तक नहीं आते। जो मोहल्लेवासी हैं वो अपने विधायक का भी नहीं नाम नहीं जानते। मैं आपको बता दूँ, ये राजधानी रायपुर का पश्चिम विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ के विधायक विकास उपाध्याय हैं, लेकिन वो लोगों का कहना है कि वो यहाँ आते नहीं, इस कारण लोग उन्हें नहीं जान रहे हैं। नहीं जानते। अच्छा। जी देखो, इतने साल से यहाँ घर जब मिला हुआ है, घर घर पे नल तो लगा हुआ है। अच्छा। लेकिन पानी नहीं आता। अच्छा। लोग देख रहे हो किस तरह रोड पे पानी भर रहे हैं, कपड़े धो रहे हैं। अच्छा। तो कुछ सुविधा दे, जब भी तो कुछ करे। आपका घर नीचे है कि ऊपर? फर्स्ट फ्लोर पे मेरा। तो आप भी पानी नीचे से? नीचे से आते हैं। मैं रोज जब वॉशरूम पे जाता हूँ तो रोज पाइप को देखता हूँ कि आज पानी आएगा, आज पानी आएगा, लेकिन आता ही नहीं है। अच्छा। ये क्या 100 पीस के लिए लगा दिया गया नल? क्या कुछ कहते हैं जब अधिकारियों के पास जाते हैं या फिर आपके पार्षद के पास जाते हैं, क्या कुछ जवाब रहता है उनका कि पानी आने वाला है, या फिर क्या कुछ प्रतिक्रिया करते हैं? जब मैं पार्षद के पास जाता हूँ बोलता हूँ कि सर मेरे घर पर पानी चूरा है, तो बोलते हैं कि भाई पानी चू रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, कुछ मदद कीजिए सर। बोलता हूँ तो बोलते हैं कि अरे भाई ये घर किसका है? तो मैंने बोला सर घर तो मेरा है, तो किसको मरम्मत करना चाहिए? अच्छा, जब चुनाव का समय आता है तो हाथ पर जोड़ के चुनाव मांगने आते हैं, तो ठीक है भाई हमारा भी एक हाथ है, हमारा भी एक अंगूठा है, हम भी किसी को और देंगे, भीख मांगने मत आया करो मेरे दरवाजे पे। अभी चुनाव है, विधानसभा चुनाव होने हैं, फिर वोटिंग होनी है, क्या कुछ वोट किसको वोट करने वाले हैं आप लोग? वोट तो उसको करूँगा भैया, मैं रमन सरकार को करूँगा। अच्छा, इस सरकार जो है उससे खुश नहीं है कामकाज से? नहीं नहीं नहीं, ये सब घोटाला कर रहे हैं, देख रहे हो अभी करोड़ों का पूरा घोटाला चल रहा है। साथ में ये भूपेश बघेल भी इसका साथ दे रहे हैं, क्योंकि सीएम वही है ना, उसका चल रहा है ना। तो अभी क्या है, ये जो भूपेश बघेल अभी आया है कांग्रेस पे, सीएम बने हुए हैं, क्या अभी देश विदेश घूम रहे हैं। देश विदेश इसलिए घूम रहे हैं क्योंकि कभी हेलीकॉप्टर फ्लाइट का कभी सफ़र किए नहीं, इसलिए मज़ा ले रहे हैं। लेकिन बस्ती में कभी घुस के देखे कि क्या साधन है, क्या सुविधा है, क्या सुविधा नहीं, ये सब चीज़ को ध्यान देते ही नहीं है। जब चुनाव आता है तो सब अपने अपने शकल दिखाते हैं, सर हमको ओढ़ दो, हमको ओढ़ दो, तो हम किसको ओढ़ दें? जो देखभाल करेगा उसी का हम देखभाल करेंगे। अभी आप देख रहे हो पूरा गंदगी कहाँ जा रहा है, यहीं पे अटका हुआ है, नाली कुचड़ पूरा भरा पड़ा हुआ है ना। अच्छा। कुछ है ही नहीं यहाँ, नाली देखो पूरा जाम, यहीं पे देखो कितना गंदगी है। अच्छा, गंदा नाली है, जाम है नाली, वहीं से लोग पानी भर रहे हैं। बीमारी की समस्या? बीमारी तो क्या करें, अब बीमारी झेलना ही पड़ेगा,
कौन सा आ जाएंगे पार्षद, बोले एक एक को मैं सब देखते रहूंगा तो हो गया, वाह तो हो। अच्छा पार्षद हमारे वार्ड के आप ही हो, आपको ये सब ध्यान देना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जो है सीजी, क्या नाम बताएं? सीजी राजेश सोना थिएटर आर्टिस्ट। सीजी राजेश जी है, वो बता रहे थे कि नाली जाम होती है, देख सकते हैं ये नाली है, जाम है और यहाँ से महिलाएं हैं वो पानी भर रहे हैं, देख सकते हैं साफ तस्वीरों में कि नाली के बगल से ही महिलाएं पानी भरने को मजबूर हैं क्योंकि जो नल है। अच्छा क्या कह रहे हैं आंटी? पत्थर लगा लगा के हम लोग पानी भर रहे हैं, इसको ऊंचा करवा दो, यहाँ लगवा दो। अच्छा तो आप कहीं गए नहीं अपने पार्षद के पास या विधायक के पास? आया गया। क्या कहते हैं? जो पैसा लेते हैं तो कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं तो कुछ कुछ बोलते हैं। अच्छा और कुछ समस्याएं जिससे जूझ रहे हैं? समस्या ये है भाई कि यहाँ पे नाली थोड़ा सा ठीक बनवा दे, नाली पूरे गंदगी पानी निकलने का सुविधा बनाए क्योंकि नाली के सामने देखो पानी भर रहे हैं, उसी में हम पी रहे हैं, उसी को खा रहे हैं, क्या करें। घर पे जो नल लगा दिया तो 100 पीस के लिए 20 साल से देख रहे हैं कि आज पानी आएगा, आज पानी आएगा, लेकिन आता ही नहीं है पाइप। कभी कभी सोचता हूँ कि पाइप को काट के कबाड़ा भंगार वाले को दे देता हूँ, ऐसा सोचता हूँ मैं। कितने साल हो गए आपको रहते हैं? हमको यहाँ पे 2000 में आए थे, 2000 में 2000 रुपये देकर आए थे सन, तो आज कितने साल हो गए? 23 साल हो गया। बताओ वाला कुछ सुविधा नहीं है, टैक्स इतना आ गया, गरीब इंसान खाएगा कि टैक्स पटाएगा, ये बताओ ना आप लोग। कितना टैक्स है? बाप रे, 16,000 आ रहा, गरीब खाएगा कि टैक्स पटाएगा, ये बताओ। क्या काम करते हैं? अब हम वही रोजगारी काम करते हैं भैया, रोज का बर्तन करते हैं, चौका बर्तन करते हैं, गरीब इंसान राड़ बेवा इंसान लोग है, कहाँ से इंसान देगा ये बताओ ना आप लोग। वैसी का ही हमारा हल करो जो करना है। आप भी किराए में रहते हैं कि खुद? हमारा खुद का है। अच्छा, चुनाव आ रहा है, वोटिंग करने का समय आ गया है, किसको वोट करने वाले हैं आप लोग? अब किसी को भी नहीं देंगे। अच्छा किसी को नहीं देते, मतलब रहता है तो सारे नेता आते हैं, मतलब निकल जाता है, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। और दूसरी बात, अब तो किसी को ना वोट देना और ना किसी से लेना देना, खत्म बात। अब टैक्स देखो, टैक्स 11,000 रुपए आ रहा है। अब हम लोग रोज कमाने रोज खाने वाले 11,000 टैक्स कहाँ से पटाएंगे? बिजली का बिल हर महीना 700-800 रुपए दे रहा है। वो बोला था भगेल के फ्री लाइट, फ्री लाइट, तो उसके बाप की है लाइट, क्यों पटा रहा हम लोग का बिजली का बिल? वो मोदी फ्री में चावल दूंगा बोला, अब चावल दे रहा है उससे ज्यादा हमारा बिजली का बिल ले रहा है। गाली मत दीजिए, गाली मत दीजिए। और नहीं तो क्या है? नहीं तो क्या, नेता है अपनी जगह का है, दुनिया को पब्लिक को तो भिखारी बना दिया। वो अच्छे दिन आने वाले है, ऐसे का दिन लाया कि आज लोग कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। चावल और दुनिया का चावल बस दे रहा है और बाकी तेल का टीपा महंगा, आटा महंगा, दाल महंगी, सारी चीज तो महंगी है। किसको खाएगा इंसान? मोदी को खाएगा ओसन ओसन के, क्या उसको खाएगा? बगैल को सिलेंडर देखो, सिलेंडर 1700 रुपया सिलेंडर है, काय में पकाएंगे खाना? अब उन लोग को थोड़ी हाथ पैर ला के पकाए, उनका 20 रुपया किलो लकड़ी जलाए, लकड़ी जलाए की गैस जलाए, क्या जलाए बताओ ना? फ्री में तो बांट दिया सिलेंडर उसने मोदी ने, और इधर हम लोग से खींच लिया उसने, है कहाँ से देंगे हम लोग, बताओ गरीब इंसान। हम लोग गैस जलाते हैं। अच्छा और क्या समस्या आपके मोहल्ले में? पूरी समस्या भैया, नाली नहीं, पानी नहीं, सारी समस्या है, इंसान परेशान है एक एक। अच्छा विधायक कौन है आपके यहाँ के? वो तो है, क्या बोलते है महापर्व विधायक, विधायक वो तो है, क्या बोलते क्या बोलते जी उसको, उपाध्याय। अच्छा तो आते हैं मिलने आप लोगों से? आता है वो जब उसको जरूरत रहती ना, जाया चलते बना, आया सकल देखा चलते बना वो। अच्छा। हम लोग बाहर करते हैं, भवन लेते हैं, जगह नहीं है ना नीचे, क्या करेंगे? भवन लेते किराए से, गरीब आदमी क्या करेंगे, अपना कैसे भी जोड़ तोड़ के अपना किराया लेके काम। अभी अब हमारे अभी देखो कल परसों बर्थडे है, उसको हम लोग किराए से लिए हैं भवन, यहाँ वो जगह ही नहीं है मंडागढ़ा में, क्या करेंगे? अब किसको बोलो तो लड़ाई झगड़े होते, इसलिए हम नहीं बोलते किसी को। आने जाने को कितनी तकलीफ है यहाँ। क्या हो गया काम खत्म उसका, फिर 500 पर आएगा भाई, दीदी करेगा। समस्या आप लोग को बताएंगे यहाँ का, समस्या कैसी है आप किसी से भी पूछ लो।
देखो ना सभी बताए नाला के पानी ऊपर चढ़ रहा पत्थर समझे ये राजधानी रायपुर का पश्चिम विधानसभा है। यहाँ लोग हैं वो अनेकों समस्याओं से जूझ रहे हैं। 180 स्क्वायर फीट का मकान ये लोग हैं वो बताते हैं कि 180 स्क्वायर फीट के मकान में कहीं 10 लोग कहीं 12 लोग कहीं 15 लोग रह रहे हैं। लोग पानी की समस्या से भी जूझ रहे हैं, सड़क किनारे पानी भर रहे हैं। इनकी मांग है कि इनको मकान मिले, जो पानी की समस्या है वो मिले, क्योंकि नीचे से ऊपर पानी लेके जाते हैं, सड़क किनारे से अपने कमरों तक पानी लेके जाने वाले हैं, पानी लेकर जाते हैं। इस साल विधानसभा चुनाव है, क्या कुछ जो होने हैं विधानसभा में ये जनता ही अब आगामी आने वाले दिन है उसमें बताएगी।